तो जो घटना आपके साथ हुआ था वो उनका कहना है कि उनके साथ भी हुआ है। सर देखिए, आप अगर अक्षरा जी का जैसे जिक्र किए, या मैं फर्स्ट टाइम अक्षरा जी के साथ ऑन स्क्रीन काम किया, और थैंक यू सो मच अक्षरा जी को स्पेशली, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम ऑन स्क्रीन काम किया। मैं आपको बोला ना कि क्या होता है, बातों से आज तक सृष्टि नहीं खरीदाई है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में क्या है वो देखने से पता चलता है। मैंने उनके साथ वो गाना फुल नाइट शूट किया, और मैंने पहली बार किसी एक्ट्रेस या सिंगर को देखा जो सर अपने एल्बम के वीडियो पे इतनी सीरियस हैं, इतनी सीरियस हैं, जैसे ऐसे लगता है जैसे वो किसी फिल्म की शूटिंग कर रही है। मतलब एक होता है ना कि उसके ऊपर कॉन्स्टेंट होना, उसके ऊपर ध्यान देना, चीज़ों को करना। पर्सनली मुझे उन्होंने कुछ चीज़ों में इतना अच्छा गाइड किया कि नहीं नहीं मुझे ऐसे नहीं, ऐसे चाहिए। मैंने उनको खुद बोला कि अरे इतना अच्छा एल्बम का सेट आप सजाई हैं। मैं खुद उस गाने को किया, मुझे इतना उस गाने से उम्मीद था। मैंने बोला कि यार ये तो गाना बहुत खूबसूरत है, और एक होता है ना एक बहुत ग्रेटेस्ट लेवल पे उसको शूट किया गया। लेकिन फाइनली जो भी उनके साथ हुआ, मैंने भी उनका लाइव सुना। तो अक्षरा जी के लिए मेरा कोई सलाह नहीं है, क्योंकि वो मेरे से काफ़ी टैलेंटेड हैं, काफ़ी फिल्में कर चुकी हैं, काफ़ी एल्बम, वो एक अपने आप में एक चुनिंदा स्टार हैं लोगों के लिए। उनका एक पॉपुलरिटी, उनकी चीज़ें उनको समझ में आती है। लेकिन अगर एज ए को एक्टर मैं बोलूँगा तो मेरा एक ही उनसे बात होगा कि उनकी दो चार वर्ड मैंने सुना लाइव में जो कि सही था, फिर वहीं पे बात आ गया जहाँ पे मैंने शुरू किया था कि सब कुछ ठीक है। अगर उनसे किसी को कोई बात भी है, चाहे किसी भी आर्टिस्ट से कोई भी बात है, मैं किसी का बोल रहा हूँ, उसको पर्सनली बुला के बोल दीजिए, लेकिन किसी के कैरियर पर क्यों हमला करने का, क्यों, आखिर इससे क्या होगा? आप कल राकेश मिश्रा को परेशान कीजिए, कीजिए ना सर, दो चार महीना कीजिए। गलती से कभी मान लीजिए, हर इंसान इंसान है, मैं सबको बोल रहा हूँ, आप भी मीडिया में न्यूज चला रहे हैं, आप सबको बोल रहा हूँ, आप सबकी भी लाइफ है। गलती से किसी दिन आप एक इंसान का मानसिक तौर कभी ना कभी डिस्टर्ब होता है, किसी दिन राकेश मिश्रा ने सोच लिया कि छोड़ो यार अब नहीं सहना है, और मैंने अगर कोई गलत कदम उठा लिया, फिर तो सुबह आप फेसबुक पे फरा आराम से पोस्ट करोगे, नहीं रहे बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, मेरे दिल के करीब थे, बहुत अच्छे थे, नहीं रहे, अचानक कैसे हो गया ये, कैसे राकेश कर लिए। सर मैं एक बात बोल रहा हूं, मेरी ये कोई मीडिया में बात नहीं है, मैंने ये बोला कि इन सब चीजों को कहीं ना कहीं, मैं क्या बोल रहा हूं, मानसिक प्रेशर से दूर क्यों नहीं हो रही है काम, वर्क को मानसिक प्रेशर से दूर कीजिए ना, कहीं ये तीन बड़े एक्टर है वो